वाला है तो उसके लिए जो है एमपीआरडीसी बात करेगी। तो सर हम नहीं करवा रहे, एमपीआरडीसी करवा रहे हैं। इसको आपकी जानकारी जो है वो एमपीआरडीसी ऑफिस से मिल पाएगी। गवर्नमेंट आप भोपाल एमपीआरडीसी ऑफिस से संपर्क कीजिए। तो कलेक्शन एजेंसी कलेक्शन जमा किया जा रहा है, इसका उपयोग किस लिए लिया जाएगा ये आपको गवर्नमेंट बताएगी। एमपीआरडीसी के ऑफिस से आपको इसका पता चलेगा। कलेक्शन एजेंसी सर ये दिसंबर में टेंडर निकला था, क्या 2 तारीख को एग्रीमेंट किया गया था, 6 तारीख को हमारा एग्रीमेंट हुआ है। डाला है तो बिल्कुल सही डाला हो। मैं क्या बताऊँ, जब से रोड बनी है तब से यहाँ टोल नहीं था। गवर्नमेंट हो सकता है कि इसको पुनर्बनाने के लिए वसूल रही हो टोल, या फिर जो भी है इसका आपको एमपीआरडीसी के ऑफिस से नहीं सर आके खड़े हो जाए, मतलब हम समझे कोई एक्सीडेंट हो गया ऐसा लगा मेरे को। तो कई बार आते हैं सर, हमारा हमारे व्यवसाय के ऊपर है। आप 600 रुपए का भाड़ा लेते हैं, मेघ नगर से जावा का 18 किलोमीटर 600 रुपए भाड़ा लेते हैं, उसमें हम आना जाना 150 रुपए अगर दे देंगे, हम 150 रुपए अगर आना जाना दे देंगे, हम क्या क्या तो डीजल भरवाएंगे। बना भाई, यहाँ तो बचपन से निकल रहे हम, कोई टोल नहीं, कोई रोड नहीं बना, कहीं का टोल कौन है टोल चालू करने वाला। झापा का 500 रुपए भाड़ा और लोग अगर दे देंगे टोल कहाँ से देंगे। कार्यक्रम चल नहीं रहा है, इसके पहले ये ले रहे हैं तो ये तो गलत है। देखो गाड़ी खड़ी है, जाम लग रहे हैं, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। मतलब अच्छा गाड़ी का नहीं है। आज हम कभी के हमें कल ही आए थे, ऐसा कहीं नहीं आ, रातों रात को चीज खड़ी कर दो, कासे पैसे लगा के आपको पहले पूरा पूरा काम काम जाना पड़ता था, उसके बाद आपको कितने पूरा दिन होता था। मैं नौकरी में आता हूँ, मैं नौकरी में आता हूँ, हाँ तो आप लोग हमने देखा है कि रोड अचानक से टोल यहाँ पर स्थापित कर दिया गया इन लोगों द्वारा। तभी ये पटेल साहब है, राजेश जी पटेल, ये इनका कहना है कि ये मध्य प्रदेश सरकार का ही आदेश है कि यहाँ पर टोल स्थापित किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ दिख रही है कि काफ़ी जाम लग रहे हैं, अचानक से रातों रात ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थापित कर देना, मेरा इन सभी से भी ये निवेदन है कि यदि गवर्नमेंट का ही आदेश है तो ये इनकी व्यवस्थाएं पहले सुनिश्चित करें कि निकासी गाड़ियां जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उसको ठीक प्रकार से इसके चौड़ीकरण किया जाए ताकि गाड़ियां दोनों तरफ से निकाली जा सके यदि टोल स्थापित वाकई में हुआ है तो। दूसरा, अभी आरटीओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा कि उनके पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और एसडीएम महोदय के पास भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो एमपीआरडीसी के अधीन आता है ये सारी चीज़ें टोल वगैरह, तो एक बार कलेक्टर साहब के अधीन में जानकारी में है ये सारी चीज़ें, राजेश पटेल का कहना है। तो एक बार सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता भी एक बार कलेक्टर साहब से चर्चा करें और उनसे ये आग्रह करते हैं हम कि कम से कम यदि टोल वसूला जाना है तो कम से कम 15-20 दिन बाद इनकी एक स्थायी व्यवस्था बना ले, उसके बाद टोल की वसूली की जाए ताकि ये जो चक्कर जिस प्रकार का जाम हो रहा है, इस प्रकार से असुविधा हो रही है वो ना हो।